हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क, वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजीली। हम बिल्कुल बाजार जैसा कंडेंस्ड मिल्क घर पे बना सकते हैं और इसी कंडेंस्ड मिल्क को यूज़ करके आप आइसक्रीम, कुकीज़, केक्स, जो भी आप बनाना चाहते हैं, सारी रेसिपीज में सेम कंडेंस मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बाहर का यूज़ करते हैं। कभी कंडेंस मिल्क बाहर से नहीं ला सकते हैं तो बहुत ही आसानी से घर पे बना करके झटपट से उसकी रेसिपी बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है 500 ml फुल फैट मिल्क और इसको हम एक बॉईल आने तक बॉईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए मिल्क में एक बॉईल आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप शुगर, और अगर ग्राम में लिए तो ये 100 ग्राम शुगर है। तो यहाँ पे 500 ml मिल्क के सामने मैंने 100 ग्राम शुगर ली है और इससे आपका टेस्ट और टेक्सचर और कलर करने से मिलकर बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, आप इसी से बनाइए तो परफेक्टली बाहर जैसा ही टेस्ट एंड टेक्स्चर मिलेगा। और ये देखिए हम अच्छे से शुगर को मिक्स कर लेंगे ताकि मिल्क में अच्छे से घुल जाए। और अब हम इसको लो फ्लेम पर कुक करना है और यही है एक कंडेंस्ड मिल्क परफेक्ट जो बनता है उसके लिए, कि बहुत ही लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहना है ताकि हमारा जो मिल्क है वो नीचे चिपके नहीं। वैसे तो ये नॉनस्टिक पैन में कभी चिपकता नहीं है, बट अगर आप नॉर्मल कोई बर्तन में बना रहे हैं तो आप इसको बीच बीच में हिलाते रहिए ताकि कुछ भी चिपके नहीं। हमारा मिल्क ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। तो अब मैं इसमें बस एक चुटकी भर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ना डालिए, जस्ट बेकिंग सोडा डालने से ये हल्का सा फ्लफ़ी हो जाता है। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े बबल्स आने लग गए हैं और ये थोड़ा सा टेक्सचर इसका और स्मूथ हो जाता है। तो बेकिंग सोडा डाल के हम बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको और थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए ये ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो चुका है और आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए आपको अभी लग रहा है थोड़ा रनिंग है, बट ये जैसे ही ठंडा हो गई बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। तो हम इस स्टेज पे इसको बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं चम्मच से गिरा रही हूँ तो ये एक एक ड्रॉप गिर रहा है। ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी जब पे हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। और ये देखिए ठंडा होने के बाद में आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, जैसे बाज़ार में मिलता है वही कंसिस्टेंसी का हमारा कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो चुका है। सेम कलर आ चुका है, सेम स्मूथनेस है हमारे कंडेंस्ड मिल्क में, जैसे बिल्कुल बाजार के कंडेंस्ड मिल्क में होती है वही। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सेम कंडेंस्ड मिल्क से आप अनगिनत रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।